जेम्स एंड ज्वेलरी। नमस्कार मध्यान ओडिशा सह मुगायत्री। पुरी पुलिस को सफलता, सेवायत शिवराम पात्र हत्या घटना रे व्यवहृत बंदूक को नहीं पुलिस आरंभ होइतिला तदंत। एने एसपी कौन प्रतिक्रिया रखुछंती आसंतु सीधा सळख सुनिबा। तबे पुरी पुलिस को सफलता, सेवायत शिवराम पात्र हत्या घटना रे व्यवहृत बंदूक को नहीं पुलिस तदंत आरंभ होता। एथेरे पुरी पुलिस को अनेक सफलता मिली। विभिन्न आपराधिक मामलों में व्यवहृत चारोटी बंदूक जबत करा बेले सात जन गिरफ्त होती। तेरे बलियापंडा थाना एवं टाउन थाना अंचल गोटे लेखाएं और सदर थाना दुईट बंदूक जबत होती। एसपी नेतृत्व में चढ़ाउ कर सफलता मिली। तारा केस आगु सतटा केस अच्छी ए प्रकार रा जो एंटी सोशल अच्छा ताको आमरा जोरदार अभियान चली पाखापाखि मोर देन 50 लोक गिरफ्त हो प्रिवेंटिव लीगल एक्शन बहुत गुड़ा लोक को हो आमरा जो आज चार्टा वेपन सीज होती। नेक्स्ट 4-5 डेज भितर आम आशा करुचु कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट लिंकेज हमको जो मिली आम फुल एफर्ट रे चेष्टा करिवो कि ये जो वेपन कंट्रोल और ताको आम स्टर्न एक्शन को अंत पर्यंत नहीं जीवो। जेमती मु कहली अपन को कि सोर्स आहा भितरे ही अच्छी क्योंकि मल्टीपल लेवल रे सिंडिकेट लेवल रे नॉर्मल तरह ऑपरेशन चले आमजरा लोकल डीलर था इंटर डिस्ट्रिक्ट डीलर था आम इंटर डिस्ट्रिक्ट पर्यंत पहुंची गलो यथाशीघ्र आम ताको भी धरव और फ्यूचर रे जो जो आम पाखे प्रमाण आसो एविडेन्स आसो इंटेलिजेंस आसो ता अनुसार आम एक्शन देव। आमको आप समस्त को व्हाट्सएप नंबर आम दिखाई जो जो आम ब्राउन सुगर रे बहुत सक्सेसफुल होती से ही नंबर में इनफर्मेशन भी आसवा स्टार्ट हो गला। आपण माध्यम रे समस्त को रिक्वेस्ट करी कि से नंबर को अपन व्यवहार करंतु और जहां पाखरे जो भी इनफर्मेशन अच्छी हमको पास करे। शिवराम पात्र केस रे बंदूक कटा से तो सीज हो जाई छी सीज हो जाई छी ताको प्रॉपर सीजर करके फोरेंसिक एग्जामिनेशन पाई पठाईवारा प्रक्रिया चली छी। सारे जो सात जन सारे जो सात जन को भीतर है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट किंबा इंटर स्टेट सरकार अछन कि देखो सेता को डिटेल हमें एबे रिवील करबा नहीं बिकॉज़ हमरा एबे मल्टीपल रेड एबे भी चली छी और जिते बेले हमें सफिशिएंट एविडेंस पाई के कंक्लूसिव पहुंचिबो और हमें ताको अचीवमेंट को जीवो सेते बेले हमें डिटेल्स कहिबो। ए एज ऑफ नो जो इनफॉरमेशन अच्छी दुई जन ता भितरे जो अछंती बिक्री पई आस्थेले और बाकी जन रखी थिले ता पाखरे फ्यूचर रे किछि क्राइम कर थांते लेकिन बिकॉज़ ऑफ द इंटेलिजेंस एंड आवर मल्टीपल लेवल एजेंसी कोऑर्डिनेशन मल्टीपल पीएस कोऑर्डिनेशन रूरल अर्बन मिक्स हई के ताको टाइमली अप्रिहेंड करा हई छ। सर आपण कहिबे कि जे जेंती ड्रग परे आपण गोटे आसिला ग्रिप आसिलानी जे पुरी शहर रे बंदूक सुन होइबो पुरी वासी को पूरा हमें आश्वासन देउछु पुरी पुलिस ताकर सेफ्टी एंड सुरक्षा पाई बाध्य अच्छी। हमें दादाबटी ऊपर बहुत स्टर्न एक्शन ड्रग्स ऊपर बहुत स्टर्न एक्शन नेलो नी ए वर्ष 16टा फायर आर्म्स हमरा सीज हेई छी 16टा सीज हेई जाई छी और फर्दर हमें पाखरे जो जो इन्फॉर्मेशन आसीबो हमें स्टर्न एक्शन नेबो। अपन माध्यम रे समस्त पुरी वासी को रिक्वेस्ट करीबी हमारा जो व्हाट्सएप नंबर समस्त को दिया हेई छी ताको हमें बहुत बहुत धन्यवाद भी देउछु ताको इन्फॉर्मेशन देवा पाई जो माने देउछंती हमको ए अभियान रे सक्सेस करिबा पाई समस्त पुलिस को सपोर्ट करिबे। से क्रिमिनल जो ताको पाखे रखी छंती सेमानो को जेल तुरंत धरा जीवो जो भी आबे आपन 10 रे केस करले एनएसए करले ए सीधा सरक चेतावनी देवा दरकार नहीं से माने जानी छंती आज नहीं तो कल ताको धरा जीवो और हमारा मल्टीपल रेड चली छी और बहुत शीघ्र हमें सक्सेस पाइबो। सर शिवराम पत्र जो फायरिंग घटना रे जो वेपन यूज हेतिला एही सातन पर भीतर के त सप्लाई करथिले नहीं सेता को डिटेल एबे मु रिवील करबी नहीं सेटा अंडर हमरा प्रोसेस इंटरोगेशन एनालिसिस रे चली छी तारा इट मे हैम्पर आवर मल्टीपल जो एबे रेड चली छी से हैम्पर हेई पारे सेता डिटेल मु एबे कहबी नहीं। चारोटी बंदूक जबत होती सात गिरफ होती तो चारोटी बंदूक कहाँ कहाँ पाखे थिला डिटेल दे देबी। हमरा सदर थाना रे दुईटा केस हेची टाउन थाना रे गोटे केस हेची बलियापंडा थाना रे गोटे केस हेची तारा डिटेल कहा कहा पाखरे कुकु जिन सी देची कुकु एमिनेशन सी देची सेटा अपन को डिटेल दिया हेची तारा फर्दर डिटेल हमें अपन को प्रिंट माध्यम रे दे देबो। सर
ସେଟା ତ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଡେଟା ଥାଏ ଯୋଉ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛୁ ଆମେ ପୁରା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ ଆର୍ ତାର ଡିଟେଲ୍ଡ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ଥାନା ୱାଇଜ୍ ଡେଟା ଥାଏ ସେଟା ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଆମର ଡିଆଇବି ରେ ରେକର୍ଡ ଥାଏ ସେଟା ବୁଝିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। सर आज पूरी बालीपटना जो पूरी मेरा नहीं नहीं रात से सांगे सांगे पुलिस डिप्लॉयड हो जाए जो प्राइम एक्यूज अच्छा राति राति डिटेन कराई एवं एडिशनल एसपी एसडीपीओ से स्पॉट रे अच्छा सिचुएशन एवं कंट्रोल रे अच्छी फर्दर जो जो बहुत लोगों को सेठी आगरू प्रिवेंटिव बाइंडिंग कराई था आम आज तर्जमा करूचु जो जो मैंने वायोलेशन कर स्टर्न एक्शन सेठी नियाजिबो एवं सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल बिकॉज एवं बहुत लोग एक्शन भी हो जाए पुलिस स्पॉट रे अच्छी सीनियर ऑफिसर स्पॉट रे अच्छा आम डिटेल्ड रिव्यू इवनिंग रे करके फर्दर डिटेल्स हमें कहिबो एज ऑफ नाउ सिचुएशन नॉर्मल छ। सर जमी जमा कंट्रोल ना अन्य अच्छी ता पर आगु रक्त रहि आपन कोन ड्राइव रहिबो है तो ड्राइव पावर रहिबो आगु रक्त रहि नहीं हमरा तो ड्राइव रथ को नहीं के आगो चली छी हमरा जो जो इवनिंग रे आपण देखी चंती मल्टीपल नाका रे ट्रिपल राइडर और जो वायलेशन करचंती ताकर अगेंस्ट ड्राइव चली छी हमरा जो बहुत लोको डेली हमें जो पब्लिकली अल्कोहल कंज्यूम करचंती ताको हमें गिरफ करचू बहुत जगह रे जो गैदरिंग होउची ता उपरे हमरा रेड चली छी दादा बट्टी रा खबर असला परे हमरे सांगे सांगे तारा बहुत लोको को गिरफ करचू ड्रग्स विरुद्ध हमरा अभियान चली छी ब्राउन शुगर बहुत गुडा सीज हो जाय छी और फ्यूचर रे हमें चेष्टा करूचु के ब्राउन शुगर और सफलता पाइबो वेपन जो हमरा एबे आज तारा अचीवमेंट है और प्रॉपर सिक्योर एटमॉस्फेयर देबा को हमें बाध्य अछु हमरा सबू टीम मेंबर सबू पुलिस स्टेशन सबू आईआईसी माने एसडीपीओ एडिशनल एसपी सबू हमें एज ए टीम वर्क रे पब्लिक को सेफ्टी और सिक्योरिटी देबा पाई हमें प्रस्तुत अछु सेटा एक अलग इश्यू अछि एबे हमें आज वाला इश्यू केस आपको रिमांड रे ओना जीवो बा और इंक्वायरी फर्दर किसी इंक्वायरी बॉडी को अपन द्वारा ए केस रे एज ऑफ नाउ जो एविडेंस अछि से माने फॉरवर्ड हो जाई चंती तारा हमें इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस प्रोग्रेस एंड फ्यू अदर थिंग्स हमें इन्वेस्टिगेशन प्रीव्यू रे हमरा अच्छी दैट आई कैन नॉट रिवील नाउ इन ड्यू कोर्स वी विल टेक फर्दर एक्शन। सर ब्राउन शुगर रे पूरी पुलिस को ओडे निश्चित भाव रे बड़ो सफलता किंतु जति के 8 किलो ब्राउन शुगर धरा हिचे ताको वर्तमान परीक्षा सरलेनी कि तादरे केते ते पूरी पुलिस को बड़ो सफलता मिलिछि पूरी एसपी सामाजिक सम्मेलन करी सीधा सड़क निजर मंतव्य रखुथिले सीधा सड़क चित्र देखुथिले। परवर्ती खबर को आसीबा राजधानी कोटिए टंकार ब्राउन सुगर जबत होई कोलकाता बस रे आसुथला ब्राउन सुगर जबत ब्राउन सुगर रो मूल्य 1,23,00,000 टंका हेबो बोली अनुमान करा जाउची। बरमुंडा बस स्टैंड रु जबत करिछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ मामला रे दुई जणों को गिरफ्त करिछि एसटीएफ। वर्तमान बड़ खबर राजधानी कोटिए टंकार ब्राउन सुगर जबत होई कोलकाता बस रे आसुथला ब्राउन सुगर जबत ब्राउन सुगर रो मूल्य 1,23,00,000 टंका बरमुंडा बस स्टैंड रु जबत करिछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ मामला रे दुई जणों को गिरफ्त करिछि एसटीएफ। एने अधिक सूचना देबा पई करेस्पोंडेंट दीपक सामल जोड़ी होती दीपक केते बेले ब्राउन सुगर जबत होई छि केउं थारु केउं ठाकु जाउथला ब्राउन सुगर वर्तमान जो मान को गिरफ्त करा जाय छि सेमानक ठारु कोन सब तथ्य सामना को आसु छि प्रकृत रे ये चेरो केते दूर लंबी छि। दीपक सुनी पार छंती जोगाजोग बिछिन होइछि पुनि तरे चेष्टा करूछु दीपक सामल करेस्पोंडेंट जोगाजोग करबा पई एवं ए संपर्क रे विस्तृत आलोचना करबा। तबे खबर उपरे पुनि तरे अजन पकाइबा राजधानी रु कोटिए टंका रो ब्राउन सुगर जबत होइछि कोलकाता रु बस रे ब्राउन सुगर आसुथिला जबत ब्राउन सुगर रो मूल्य 1,23,00,000 टंका बरमुंडा बस स्टैंड रु जबत करिछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ मामला रे दुई जणों को एसटीएफ गिरफ करिछि। तबे राजधानी रु कोटिए टंका रो ब्राउन सुगर जबत होइछि कोलकाता रु ब्राउन सुगर बस रे आसुथिला बोली जणा पडिछि जबत ब्राउन सुगर रो मूल्य 1,23,00,000 टंका बरमुंडा बस स्टैंड रु क्राइम ब्रांच एसटीएफ ब्राउन सुगर जबत करिवारे सक्षम होइछंती मामला रे दुई जणों को गिरफ करा जायछि। इने अधिक सूचना देबा पई पुनि थरे दीपक सामल जोडी होछंती दीपक कोन पूरा घटना बाबत रे जानिबा को चाहिबु केते बेले ब्राउन सुगर जबत होइछि अनुमानिक मूल्य केते एवं जो दुई जणों को गिरफ करा जायछि सेमानक ठारु कोन तथ्य हासिल करिछि पुलिस। देखु कलिकता भुवनेश्वर को 1,23,00,000 टंकार ब्राउन सुगर चोराचलाण बेले बरमुंडा बस स्टाण्ड रु दुई जण अभियुक्त पाखु ब्राउन सुगर को जबत करछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ। एक घटन दुई जण को क्राइम ब्रांच गिरफ करछि दुई जण गिरफ होती कलिकता जी अच्छा
କପିଳ ଦେବ ମଜୁମଦାର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଭୋଳ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 1 kg 238 gram ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର 17,000 ଟଙ୍କା ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯିଏ ଅଛି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଭୋଳ ଯାହା ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତା ପାଖରୁ ଏକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଡକ୍ଟରର ଆଇ କାର୍ଡ ମିଳିଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଇ କାର୍ଡ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଭୋଳ ଯିଏକି ଜଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ନିଜକୁ ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତର ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନଠି ଠକେଇ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୋଲକାତାର ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 1 kg 223 lakh ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ କାହାକୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ କଲିକତାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଆସୁଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ କଲିକତାରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ବସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାହଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କୋଉମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ନା ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଦୀପକ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଇଏ ଚେର ରହିଛି ନା ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଚେର ରହୁଛି ନା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବିଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁରାକ ମିଳୁଛି କି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ କୁହାଯାଏ ଯେ ବାହାର ଅର୍ଥାତ କଲିକତାର ମାଫିଆ ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଲିକତାର ମାଫିଆକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ତ କେତେବେଳେ ବସ୍ ଯୋଗେ ମାଫିଆ ମାନେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କେବେଠାରୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏମାନେ କାହାକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଏ ସବୁ ଦିଗ ନେଇ ବିଶେଷ କରି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏହାରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା 2020 ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ 52 kg ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 146 ଜଣଙ୍କୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ତେଣୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏ ଯୋଉ ରାକେଟ ରହିଛି ସେ ରାକେଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ମାନେ ତ କେବଳ ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ କାହା ପାଖକୁ କେତେ ପରିମାଣ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଆସୁଛି କିଭଳି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର କରାଯାଉଛି ଏ ସବୁ ଦିଗ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆମକୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ପାରେ କି ଦୀପକ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ତାହା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏ ରାକେଟ କିଭଳି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାକେଟରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହା କିଭଳି ଗୁମର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଇଓ। ତେଣୁ ଆମେ ତ କେବଳ ଆଶା ରଖିବା ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଉମାନେ ଲିଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ନିହାତି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଫେରିବୁ ଦୀପକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦୀପକ ସାମଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ରାଜଧାନୀରୁ 20 kg ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି କୋଲକାତାରୁ ଏହି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଜବତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗରର ମୂଲ୍ୟ 1 kg 23 lakh ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ଖୁଆଡ ନମ୍ବର 30 ଆଫ୍ରିକୀୟ ସିଂହୀ ଗଙ୍ଗାର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ ନନ୍ଦନକାନନ ସିଂହ ସଂଖ୍ୟା 16 ହ୍ରାସ। ଏଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 3 ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ନ ବଦଳାଇଲେ କଟିବ ଇ ଚାଲାଣ ଗଣିବେ 5,000-10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଆର୍ସିବିକୁ 7 wicketରେ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ କଲେ 4ର୍ଥ ଶତକ କାଲି ଗୁଜରାଟ ସହିତ ଟାଇଟଲ ଟକ୍କର। ନନ୍ଦନକାନନ ଖୁଆଡ ନମ୍ବର 30 ରହୁଥିବା ଆଫ୍ରିକୀୟ ସିଂହୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାର ନାଁ ଗଙ୍ଗା
2015 ସେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆସିଥିଲା। ତାର ବୟସ 15 ବର୍ଷ। କୁଆଡ଼ ଭିତରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଦଂଶନ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ସିଂହୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ତେବେ ସିଂହୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ସିଂହ ସଂଖ୍ୟା 16କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। नंदनकानन खुआड़ नंबर 30 रे रहुथुबा आफ्रिकीय सिंघीर मृत्यु होईछि। दीपक समल करेस्पोंडेंट जोडी होईछन्ते अधिक सूचना देबा पई। दीपक कोभली भाबरे सिंघीर मृत्यु हैला कोन वर्तमान रो तथ्य? देखंतु नंदनकानन कर्तृपक्षकर प्राथमिक रिपोर्ट अनुसार एक विषाक्त साप कामुडारे सिंघर मृत्यु होईछि। तेनु सिंहर बयस होउछि 15 वर्ष। इस्राएल सिंहटु बनाइतला तेबे एबे तारो पोस्टमार्टम चलीछि। ता परवर्ती मुहूर्त रे स्पष्ट हो पारिबो जे मृत्युर प्रकृत कारण कौन थिला। वो जो सापटी जीवटी कामुड़ी ताकू निज हेफाजत रखा है विशेषकर क्यों साप कामुड़ी ताप्ट हो सारी। तेरे सिंहर बयस जदि 15 वर्ष तेज केवल साप कामुड़े तार मृत्यु होना तार आज कि कारण तदंत जारी रही। गोटे पटे कहवा जो सिंहर मृत्यु हो तार तदंत एक टीम गठन करा सहित जिते पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसना को आसो परवर्त मुहूर्त हुए तो स्पष्ट हो पार कि भाव में सिंहर मृत्यु है। कि नंदनकानन कर्तृपक्ष पक्ष जहां पड़ी एवं तार पोस्टमार्टम रिपोर्ट चली परवर्त मुहूर्त जो रिपोर्ट आसो तेरे प्रकृत सत्य सामना को आसो। ए कह नंदनकानन आज 16 सिंह रही विशेषकर सिंह मान जो रही रक्षण बेक्षण तेरे से किसी त्रुटि थवर सन्देह करेणु प्रत्येक दिग को नहीं तदंत कर नंदनकानन कर्तृपक्ष विभिन्न दिग को नहीं वर्तमान तदंत जारी रही है। व्यवच्छेद रिपोर्ट आसा पर सिंह मृत्युर प्रकृत कारण पदाक आस। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना दीपक। हेवीवेट प्रचार कंपुची। ब्रजराज नगर निर्वाचन मंडली निर्वाचन को आ हाथ में 2 दिन रही। आसंता काली संध्या 5 बंद हेबो प्रचार। विजु जनता दल पक्षरु प्रार्थी अलका महंती लखनपुर पंचायत रे घर को घर प्रचार करिसेंती। जिला पर्यवेक्षक तथा कटक मेयर सुभाष सिंह सह पर्यवेक्षक विष्णु केडिया विजयपुर विधायक रीता साहू एवं कवि सूर्यनगर विधायक लतिका प्रधान प्रमुख प्रचार में सामिल होती। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक लोकाभिमुखी काम को पाथेय कर भोटरों को भोट देवाक अनुरोध कर गड़ को अख्तियार करने 45 डिग्री खरार घर को घर बुलूं प्रार्थी। लखनपुर भैंसामुंडा बाणी पहाड़ जूनियन ओलापड़ा सल्दिया गुंडुलीमाल अंचल अलका महांती प्रचार करपरी संध्या विजु जनता दल प्रार्थी अलका महांती रोड शो रही। रोड शो में मंत्री प्रताप जेना वरिष्ठ नेता संजय दास वर्मा और अन्यान्य नेता उपस्थित रहिबे। नगर उपनिर्वाचन हाथ में आउ अल्प समय से तीन प्रमुख दल डोर टू डोर कैंपेन करचंती कैंपेन को जोर सोर करचंती। सीधा सड़क आलोचना करवा आज विजु जनता दल पक्ष लखनपुर रे माराथन रेस कर प्रचार को अल्प समय गोटे दिन काली गोटे दिन किमती रही विपुल जनसमर्थन रही कहीं आम जो जाऊ आमको अपेक्षा कर रही समस्ते जेहेतु आप प्रत्येक पंचायत रे बुलिले प्रत्येक पंचायत जाऊँच लोक मिशुं लोक मैंने कौन कहते आप शुणु आम लोक मैंने तो समस्ते आम मान्यवर श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक आमर जो विकास योजना से ही उत्साहित होने आम पाखक मानने स्वतस्फूर्त भाव आम पार्टी आ तापर मो स्वामी को जो ये अंचल जनप्रियता लोकप्रियता अच्छी से लोक मैंने देखुं जनसमर्थन किमती रही प्रचार प्रसार किमती अभूतपूर्व जनसमर्थन देखुं गोटे पंचायत में किभली माँ मैंने समेत घर बाहरी आसपुल जनसमर्थन मिलू। नवीन पट्टनायक मान्यवर मुख्यमंत्री ये जिला को निर्वाचन मंडली ब्रजराजनगर को नुआ रूपरेखे गढ़ी तोलने प्रयास नहीं किशोर महांति बंची बेले से भी बहुत विकास धार को आगे नहीं आज दिन में लोकों पाखे गोटे कथा ये निर्वाचन मंडली नुआ रूपरेखा लोक देखा चाहते अलका भौणी की जदि सर्वाधिक व्यवधान जीत पारती नवीन बाबू को पचर ठिया ये निर्वाचन मंडली नुआ रूपरेखे विकास धारा को आगे नब से लोक मैंने अभूतपूर्व समर्थन जनुंच आम देखुं प्रचार अभियान शेष अवस्था को आसला आसंता का शेष हम अभूतपूर्व समर्थन सहयोग जो व्यवधान पंचायत निर्वाचन थी आउ पौर निर्वाचन थी
56,400 से व्यवधान को आम से व्यवधान को आम अग्रसर हो चेष्टा कर निश्चित भाव में आम सहित अच्छा झारसुगुड़ा सह पर्यवेक्षक विष्णु केड़िया आज्ञा आपण भी बुलूं कमी देखुं सब सबू जगार 38 पंचायत रे 42 वार्ड रे केवल एकमात्र लोक जेकि आमर यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक प्रति अकुंठ समर्थन रही झारसुगुड़ा जिलार जे माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि नव दास प्रति लोक समर्थन रही माननीय मुख्यमंत्री झारसुगुड़ा को एक उन्नत एवं समृद्ध जिले में परिणत करने जो निष्पत्ति नहीं तेणुक मनोनीत प्रार्थी अलका महांती जे कि स्वर्गत किशोर महांती धर्मपति अटंती तांकु लोक मनस्थ कर सारे एवं विपुल भोट्रे जयजुक्त करेंगे एले मात्र सन्देह ना विजु जनता दल आज लखनपुर पंचायत रे गोटे माराथन रेस करा से जो रोचार बीजेडी प्रार्थी अलका महांती सहित अच्छा कटक मेयर तथा तो झारसुगुड़ा पर्यवेक्षक सुभाष सिंह एवं से लोक सहित मिशुंट लोक समस्या को बुझुंट लोक अलका महांती भोट देवाई अनुरोध करुंट झारसुगुड़ा ब्रजराजनगर निर्वाचन मंडल जितेन्द्र देवता न्यूज 18 ओडिया नंदनकानन खुआड नंबर 30 रे आफ्रिकीय सिंघी गंगार मृत्यु विषाक्त सर्प दंशन करितवा संदेह नंदनकानन सिंह संख्या 16 को ह्रास एणिक समस्त हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट बाध्यतामूलक ओडिशा राज्य परिवहन प्राधिकरण विज्ञप्ति 3 मास सुधा पुराणा गाड़ी नंबर प्लेट न बदलाइले कटिब ई चालान गणिबे 5-10,000 टंका जरिमाना आईपीएल फाइनाल रे राजस्थान रॉयल्स आरसीबी को 7 विकेट रे हराइला राजस्थान जोस बटलरन को धुआंधार शतक चलित सीजन रे कले चतुर्थ शतक काली गुजरात सहित टाइटल टक्कर